सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल कायाकृति को और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। गर्मियों के मौसम में हमारे चेहरे से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, जिसके कारण फेस बहुत ही जल्दी ऑयली हो जाता है और ऑयली स्किन होने के कारण फेस पे छोटे छोटे से दाने निकलने लगते हैं, पिंपल और एक्ने की समस्या बढ़ जाती है। धूप में निकलने के कारण सनबर्न सन टैन हो जाता है और चेहरा देखने में डल और बेजान लगने लगता है। तो आज का फेस पैक आपको इन सारी समस्या से छुटकारा दिलाएगा। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी का फेस पैक शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। स्ट्रॉबेरी तो अक्सर हम घर पे खाने के लिए लाते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम अपने चेहरे पे नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं होता है। लेकिन स्ट्रॉबेरी हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं इस फेस पैक को बनाना कैसे है। स्ट्रॉबेरी का फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को हम पहले अच्छे तरीके से धोकर साफ कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी गंदगी है वो निकल जाए। इसके बाद इसे हम एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, हमें इसका पल्प चाहिए। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी में होता है ढेर सारा विटामिन और मिनरल्स, जो कि हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भी भरपूर होता है, जिसके कारण ये हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉबेरी में एलर्जिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण ये धूप के कारण होने वाले सनबर्न और सन टैन की समस्या को ठीक करता है। स्ट्रॉबेरी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भी भरपूर होता है, जिसके कारण ये हमारे चेहरे से डेड सेल को रिपेयर करता है, हमारे चेहरे में कसाव लेके आता है, एजिंग इफेक्ट को डीले करता है, लंबे समय तक हमें जवा बनाए रखता है। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाने के कारण ये हमारे चेहरे से दाग धब्बे को दूर करता है, पिंपल और एक्ने के निशान को हटाता है, झाइयाँ के निशान को हटाता है, हमारी रंगत में निखार लेके आता है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। स्ट्रॉबेरी के फेस पैक को बनाने के लिए मैंने लिया है खाली बाउल, और उसमें डालेंगे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारे चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल को अब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण पिंपल और एक्ने की समस्या नहीं होती है, चेहरे पे जो छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं वो भी नहीं होता है, और पिंपल और एक्ने होने के बाद जो हमारे चेहरे पे दाग आ जाते हैं उसे भी दूर करता है, हमारी रंगत में निखार लेके आता है, हमारी स्किन को टाइट करता है। दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी का यूज़ हर स्किन टाइप के लोग कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ड्राई स्किन वाले लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बस इसे यूज़ करने का सही तरीका पता होना चाहिए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नीम का पाउडर। नीम का पाउडर हम सभी जानते हैं कि एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जिसके कारण ये हमारे चेहरे से पिंपल और एक्ने की समस्या को दूर करता है, चेहरे पे जो छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं उसे नहीं होने देता है, हमारे चेहरे को क्लीन रखता है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्ट्रॉबेरी का पल्प। तो अभी मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, फिर जरूरत होगी तो और डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हनी। हनी हमारे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, झुर्रियाँ आने से रोकता है, स्किन को टाइट करता है, हमारी रंगत को निखारता है और लंबे समय तक हमें जवा बनाए रखता है। इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपका पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा रनिंग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ताकि आप इसे आसानी से अपने फेस पे लगा सके। तो ये देखिए, मुझे ये थोड़ा सा थिक लग रहा, तो इसमें मैं बचा हुआ स्ट्रॉबेरी का पल्प डाल देती हूँ और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा फेस पैक अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इस स्ट्रॉबेरी के फेस पैक को अपने चेहरे पे लगाना कैसे है। फेस पैक को लगाने से पहले आप अपने चेहरे को पहले अच्छे तरीके से धोकर साफ कर लीजिए। आप फेस वॉश से धोकर साफ कर सकते हैं, या फिर गुलाब जल से भी आप अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गुलाब जल से अपने चेहरे को क्लीन कर रही हूँ, तो अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे, नेक को भी साफ कर लेंगे। इसके बाद हम अपने साफ चेहरे पे इस पैक को लगाएंगे। जब भी आप कोई फेस पैक लगाते हैं तो पहले अपने चेहरे को साफ कर ले और फिर ही आप कोई भी फेस पैक लगाएं, तभी आपको उसका असर दिखेगा अपने चेहरे पे। तो ये देखिए, पूरे फेस पे लगाने के साथ साथ आप इसे अपने नेक पे भी लगाएं। ऐसा ना हो कि फेस अलग दिखे, नेक अलग दिखे, दोनों एक जैसा दिखना चाहिए। इसलिए जो भी आप फेस पैक लगाते हैं उसे फेस के साथ साथ आप अपने नेक पे भी ज़रूर लगाएं। तो ये देखिए, मैंने फेस पैक को अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। अब इस पैक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 20 मिनट के बाद ये फेस पैक सूख चुका है।
तो अब इसे हम नॉर्मल पानी से धोकर साफ कर लेंगे। तो मैंने अपने फेस को धो लिया है। फेस को धोने के बाद आप अपने फेस को मॉइस्चराइज जरूर भी करिए, जो भी आपके पास मॉइस्चराइजर है उससे अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लीजिए। मैं यहाँ घर का बना हुआ मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी जब भी आप घर पे खाने के लिए लाएं तो खाने के साथ साथ आप इसका फेस पैक बना के अपने चेहरे पे भी जरूर लगाइए। दोस्तों जब आप स्ट्रॉबेरी का फेस पैक अपने चेहरे पे लगाएंगे और फिर जब आप इसे धोएंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे एक साइन आ चुका होगा और आपके चेहरे पे एक निखार आएगा। तो दोस्तों आप इस पैक को जरूर बनाइए, ये आपके चेहरे से एजिंग इफेक्ट को कम करेगा, सनबर्न सन टैन को ठीक करेगा, अगर कील मुहासे हो गए हैं तो उसको ठीक करेगा या उसके निशान हो गए हैं तो उसको भी ठीक करेगा और आपके चेहरे पे एक नया निखार लेके आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा स्ट्रॉबेरी का फेस पैक बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।